हेलो फ्रेंड्स, जून यानी कि आषाढ़ अमावस्या 5 जून को शाम 7:55 पर शुरू होकर 6 जून वीरवार को शाम 6:07 पर ख़त्म हो रही है। तो ऐसे में पितरों को खुश करके फिर परिवार में खुशहाली और मनोकामना पूर्ति के लिए 6 जून का दिन सबसे अच्छा रहने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे उपाय बताऊंगी जो अगर आप अमावस्या को कर लेते हैं तो हर हाल में आपकी मनोकामना पूरी होगी और साथ में परिवार में खुशहाली और माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि भी आप पर पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन पहले कुछ ऐसी ज़रूरी बातें आप जरूर जान लें जिनका आपने खास ध्यान रखना है, तभी आपको अमावस्या पूजा का पूरा फल मिलेगा। अमावस्या के दिन गृह स्वामी या गृह स्वामिनी को, यानी कि जिनको अमावस्या पूजा करनी होती है, घर का बड़ा बेटा यानी कि ज्येष्ठ पुत्र या पुत्रवधु जिनको अमावस्या पूजा करनी है, उनको बाल या कपड़े बिल्कुल भी नहीं धोने चाहिए। इस दिन नाखून और बाल कटवाने से बचना चाहिए और हाँ, शराब और मांस का सेवन तो भूलकर भी नहीं करना चाहिए इस दिन। इसके अलावा घर के बुजुर्गों या फिर किसी भी गरीब आदमी की बद्दुआ या हाय बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अमावस्या का दिन पुण्य की प्राप्ति के लिए होता है। जितना ज्यादा पुण्य आप कर सकते हैं उतना आपको करना चाहिए। आप जान लीजिए कि मनोकामना पूर्ति और घर में खुशहाली के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जल्दी उठकर आप पूरे घर की अच्छे से सफाई कर लें, उसके बाद नहा धो करके आप साफ कपड़े पहन लें। अपने रीति रिवाज के हिसाब से आपने भोग तैयार कर लेना है और मंदिर से अलग यानी कि जो पितरों की जो ज्योति जलाई जाती है वो मंदिर से हटके जलाई जाती है, तो ज्योति जला लें। उसके बाद आपने भोग रख लेना है कुत्ते के लिए, कौ के लिए, सूर्य देवता के लिए और गाय के लिए आपने अलग से भोग निकाल लिया। भोग निकाल कर और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके अपने पितरों को प्रणाम बोलें। उसके बाद सूर्य देवता को जल और अर्घ देते हुए कहें कि हे सूर्य देवता, आप हमारे पितरों को हमारा अमावस्या का प्रणाम पहुंचाएं और उन्हें तृप्त होने के लिए बोलें। साथ में अपने परिवार की खुशहाली और मनोकामना पूर्ति की कामना। सो गाइस, हमेशा की तरह यह मिलेगी आपको बिल्कुल सही जानकारी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को बेल आइकॉन के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।